हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम टू माई चैनल आमना इशराल। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूवर्स, आज की हमारी जो रेसिपी है, आज हम बनाएंगे आलू कीमा। तो आज की जो रेसिपी है मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। तो आलू कीमा बनाने के लिए हमने 1 kg जो है वो कीमा ले लिया है। तो व्यूअर्स, हम बनाएंगे आज कीमा। हम आपसे कीमे की रेसिपी जो है वो शेयर करेंगे। कीमा के लिए हम सबसे पहले प्रेशर कुकर में जो है वो ऑयल ऐड कर लेते हैं। दो से तीन जो है बड़े चम्मच मैं इसमें ऑयल ऐड कर देती हूँ, क्योंकि कीमे में ज़्यादा ऑयल अच्छा लगता है, इसलिए हम ज़्यादा ऑयल ऐड करेंगे। तो हमने ऑयल ऐड कर लिया। ऑयल हमारा ज़रा गर्म हो जाए तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 2-3 चम्मच जो है वो ऑयल के ऐड कर दिए। मुझे ज़रा कम लग रहा है, मैंने 1 चम्मच और ऐड कर दिया। मैंने आँच जो है फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, हमारा ऑयल जो है हीट अप हो जाए। तो इतने में हम आपको ये बता दें, ये देखें मैंने कितने अच्छे से कीमे को धो के इस तरह से वॉश कर लिया है। बिल्कुल मुझे कीमे के अंदर जो ब्लड होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं इसे बहुत अच्छे से वॉश करती हूँ, बिल्कुल वाइट निकल आता है। 1 kg हमारा जो है वो कीमा है, 1 किलो कीमा है हमारे पास। 1 किलो कीमे के लिए मैंने 5 अदद प्याज लिए हैं और इस तरह से मैंने ज़रा मोटे मोटे कट कर लिए हैं, क्योंकि हमने प्रेशर लगाना है। तो ये देखिए हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कीमा जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि कीमे में कच्चापन ना आए। तो ये देखिए व्यूअर्स, हम थोड़ा सा कीमे को फ्राई करेंगे ऑयल में, ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। बस हल्का सा हमें सोटे ही करना है, हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। ये देखें व्यूअर्स, हमारा कीमा जो है वो हल्के से फ्राई हो चुका है ऑयल में। अब हम इसमें जो हमने 5 अदद जो प्याज लिए थे उन्हें हमने मोटा मोटा इस तरह कट कर लिया था, ये कीमे में ऐड कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने प्याज डालने के बाद थोड़ा और फ्राई कर लिया है कीमे को। अब हम इसमें मैंने 2 गट्ठी लहसुन लिए हैं। कीमे में लहसुन और अदरक जो बहुत ज़्यादा डालना चाहिए, कीमे की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो लहसुन हमने ऐड कर दिया। उसके बाद व्यूअर्स, मैंने ये 2 अदद प्याज लिए हैं, और सॉरी 2 अदद टमाटर लिए हैं। तो ये 2 अदद टमाटर हैं हमारे पास। मैंने टमाटरों को लेकर इस तरह से जो सख्त वाली साइड होती है थोड़े थोड़े कट लगा दिए हैं। प्रेशर में भी ये जो सख्त साइड है थोड़ी सी इसकी हार्ड होती है, तो ये जो है ना साबुत रह जाती है, बाकी जो है वो तो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इस वजह से देखिए मैंने कट लगा दिए हैं, और मैंने इधर बहुत अच्छे से कीमे को फ्राई कर लिया है, कीमे ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ।
तो चलिए व्यूअर्स, इसके बाद हम मसाला इसमें ऐड करते हैं। तो मैंने 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। वन टीस्पून जो मैंने इसमें नमक पाउडर ऐड कर दिया और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें कीमे में टर्मेरिक पाउडर, मीन के अदरक पाउडर ऐड कर दिया। इसके बाद व्यूअर्स, मैंने 1.5 टीस्पून जो है मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर डालूंगी। सूखा धनिया पाउडर जो है ये बहुत मफीद होता है, बहुत अच्छा होता है और सालन को टेस्ट बनाता है। ज़्यादा हमारा सालन जो है वो सूखे धनिया से ही टेस्टी बनता है। अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। देखिए हमारा कीमा जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। लास्ट में व्यूअर्स, मैंने 3 से 4 अदद लौंग, 8 से 10 अदद जो है वो काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा ले लिया है। ये हम ऐड कर देंगे कीमे के साथ और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए व्यूअर्स, ये हमारा रेडी हो गया। इसके बाद हम जो है कीमे में पानी ऐड करेंगे। सिर्फ इतना पानी हमने ऐड करना है कि हमारा कीमा जो है अच्छे से गल जाए। और हमने कीमे को कितना पकाना है, जस्ट 7 to 8 मिनट, 8 से 7 से 8 मिनट हमने सिर्फ कीमे को प्रेशर लगाना है। तो ये देखिए, सिर्फ मैंने इतना पानी ऐड करना है जो कीमे के ऊपर आ जाए, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 7 to 8 मिनट जो है हमने इसको पकाना है बस, तो हमारा कीमा जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम कीमे को प्रेशर लगा देते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये जो है बड़े साइज़ में अदरक ले ली है। मैंने कहा था आपको, पहले बताया था कि अदरक और लहसुन जो है बहुत ज़्यादा डाला करें कीमे में, बहुत टेस्टी कीमा बनता है और कीमे की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये मैं इसको बारीक जो है वो पीस लेती हूँ। साथ ही मैंने ली है 2 अदद मिर्ची, ग्रीन चिली, ये भी बड़े साइज़ में है। इसे भी मैं छोटे छोटे चॉप कर लूँगी, छोटा छोटा गार्निश के लिए, ठीक है। अभी मैं अदरक जो है इसको बारीक कर लेती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने प्रेशर कुकर से कीमा जो है निकाल लिया है। हमारा कीमा जो है गल के बिल्कुल तैयार है। मैंने प्रेशर कुकर से इसलिए निकाला है कि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, क्योंकि प्रेशर कुकर में अच्छे से दिखाई तो देता नहीं है, ज़्यादा डीप हो जाता है बर्तन, तो मजबूरी होती है प्रेशर कुकर में बनाना, क्योंकि हमारी आदत है। तो इसलिए मैंने ये खुले ओपन बर्तन में निकाल दिया, ताकि अच्छे से आपको पता चल जाए। तो हमारा ये कीमा जो है बिल्कुल बन के रेडी है, गल चुका है। अब हम इसमें, ये मैंने 2 टेबलस्पून अदरक जो पेस्ट बनाया है ये ऐड कर देती हूँ। और हम पानी को अच्छे से खुश्क कर लेते हैं। और ये मैंने अदरक थोड़ी सी इस तरह से लेके बारीक स्लाइसेस में कट कर ली है। सेकंड, मैंने ये जो हमारे पास ग्रीन चिली थी इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है, ठीक है व्यूअर्स। अब हमारा कीमा जो है ड्राई हो जाए, हम अच्छे से कीमे की भुनाई लगाएंगे। अच्छे से कीमे को भूनने के बाद जब ऑयल छोड़ देगा कीमा, तो हमारा कीमा जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने अच्छे से कीमे की भुनाई लगा दी है। देखिए हमारा कीमा जो है अच्छे से भुन गया है, कीमे ने ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। अब इधर व्यूअर्स, मैंने ले लिए थे 2 अदद पोटैटो, इस तरह मैंने आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम कीमे में आलू ऐड कर देंगे।
से भुनाई हो गई है हमारे घी में, बहुत सारा ऑयल जो है छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें पोटैटो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से हम पोटैटो मिक्स कर देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने आलू डालने के बाद थोड़ा पानी डाला है ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं और दोबारा फिर हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अच्छे से हमारे कीमे ने जो ऑयल छोड़ दिया है, हमारे आलू जो हैं वो भी गल चुके हैं, हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे गार्निश करते हैं। दो से तीन अदद हम इसमें हरी मिर्चें जो हैं वो डाल देते हैं, अच्छी लगती हैं। ये देखिए हमारा मुकम्मल जो कीमा है वो बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए अच्छे से कीमा गल चुका है और आलू भी हमारे गल चुके हैं, मैंने चेक कर लिए हैं। इस वक्त व्यूअर्स हमारा कीमा जो है रेडी है। हम इसमें अदरक और ये हरी मिर्ची जो हमने रखी है ये हम डाल देते हैं। तो देखें व्यूअर्स, ये है हमारी गार्निश। तो अगर व्यूअर्स आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक भी कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।